सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉक स्टाइल अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा नेपाल वर्सेस ओमान के बीच। फ्रेंड्स, मैच खेला जाएगा CWC वनडे कप का, इसका मैं आपको डिटेलमेंट टीम देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन का भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अपनी टीम क्रिएट कर पाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस मैच की। तो इस मैच में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा वो मैं देने वाला, साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि काफी अच्छे मन विन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे प्राइम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से आप हमारे प्राइम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर आता होगा, आप सिंपल से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे प्राइम ग्रुप में जो आपको तकरीबन 95% विनिंग टीम मिलेगी, साथ ही साथ जो आपको 100% विनिंग टिप्स आ जाएगा जिसको क्या फॉलो करके और भी अच्छा मन विन कर सकते हैं। अगर आप भी जो फिर ड्रीम इलेवन से कुछ विन नहीं कर पा रहे या फिर आप जो ड्रीम इलेवन पे बहुत सारा लॉस कर चुके हैं, सिंपली उस लॉस को कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर आता होगा, आप सिंपल से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने ड्रीमलैंड टीम की तरफ, जहाँ की मैं आपसे के लिए पहले से टीम बना के रखा हूँ। बात करते हैं फिर विकेट कीपर सेक्शन के। तो देखिए, आपके पास विकेट कीपिंग में दो ऑप्शन है, एक है फिर भंडारी का है, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं फिर सूरज कुमार। दोनों जो फिर काफी अच्छे प्लेयर, आप दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं फिर भंडारी की, तो भंडारी जो आपको अपने टीम के लिए नंबर 5 पे बैटिंग करता नजर आएंगे। वहीं बात करते हैं फिर सूरज कुमार की, ये जो अपने टीम के लिए थोड़ा सा लेट बैटिंग करता नजर आएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। बात करते हैं फिर सूरज कुमार की, तो सूरज कुमार जो आपको नंबर 6 से नंबर 7 पे आपको बैटिंग करता नजर आएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तकरीबन सूरज कुमार जो है अपने टीम के लिए 3 या 4 मैचेस खेले, जिसमें क्या है फिर जो है अपनी टीम के लिए चारों के चारों मैचेस में उनको बैटिंग करने का मौका मिला है, जिसमें कि आप यहाँ से फिर देख सकते हैं एक मैच में 50+ के आसपास स्कोर किया और बाकी के जो 3 मैचेस में उतना कोई खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो इसी के लिए मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा। आप अगर ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे तो आप इनको अपनी टीम में चाहे तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर ओमान का जो है टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो सूरज कुमार जो आपके लिए काफी बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी से फिर बात करें तो अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे तो आप ऐसे भंडारी को ट्राई कर लीजिए, क्योंकि भंडारी जो लगातार अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लास्ट मैच में जो जबरदस्त अपनी टीम के लिए 59 रन के आसपास स्कोर भी करके दिए। हालांकि फर्स्ट मैच में जो उनका बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन लास्ट मैच में बैटिंग करने का मौका मिला और अब देख सकते फिर काफी अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंस भी करके दिया, तो इसीलिए मैं उनको अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। आपके पास दो ऑप्शन, आप इन दोनों में से किसी को भी लेके जा सकते हैं अपनी टीम पे। बाकी से फिर बात करते हैं बैटिंग सेशन की, तो आप जो है ऐसे जितेंद्र सिंह को चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे मैं जितेंद्र सिंह को ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए प्लेयर तो अच्छे हैं लेकिन फिर भी मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं करूँ, क्योंकि इनका फॉर्म उतना कोई खासा दिखा नहीं, तो इसी के लिए मैं इनको अपनी टीम से रिमूव करके जा रहा हूँ। मैं यहाँ से जितेंद्र सिंह की जगह में जो है ऐसे विश्वाकर को ट्राई करूंगा, क्योंकि देखिए विश्वाकर जो है जितेंद्र सिंह से कंपेरिजन बहुत अच्छे प्लेयर है। जितेंद्र सिंह ऐसे प्लेयर है जो कि आपको जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके नहीं देंगे, एक आध मैच में परफॉर्मेंस करके दिए तो बाकी के 2-3 मैचेस में फ्लॉप रहेंगे, तो इसीलिए मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं करूँ, क्योंकि इनके पास जो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इसीलिए जो है मैं इनको अपनी टीम से रिमूव करके जा रहा हूँ। 4 मैचेस अपनी टीम के लिए खेले, जिसमें क्या थे फिर एक मैच में 60+ के आसपास स्कोर किया और बाकी क्या थे फिर देख सकते जितने भी मैचेस खेले सभी के सभी मैचेस में जो है फ्लॉप रहे, लगातार 2 मैचेस में तो ये डक पे आउट हुए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा। अगर आप चाहें तो लेके जा सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आप इनकी जगह में किसी और को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो फिर बात करते हैं आप ऐसे मकसूद को ट्राई कर सकते हैं, मकसूद भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाले। मकसूद की रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं फिर, तो रिसेंट फॉर्म बहुत ही तगड़ा है, हाल ही में ऐसे फिर जो अपनी टीम के लिए लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तकरीबन ऐसे फिर जो रिसेंट मैचेस खेले उसमें भी अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किया, तो इसी के लिए मैं इनको अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। लास्ट मैच की बात करते हैं फिर, तो लास्ट मैच बैटिंग से जो मकसूद 11 रन बनाए थे, साथ ही साथ बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग से जो अपनी टीम के लिए 2 विकेट भी निकाल के दिए। वहीं बात करते फिर जो है ये बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करते नजर आएंगे। बैटिंग ऑर्डर जो है आपको ये नंबर 3 से नंबर 4 पे इनका बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। देख सकते फिर ये तकरीबन 3 या 4 मैचेस ये भी खेले और लगातार ये भी जो अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही से जो अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आप चाहते फिर इनको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते, क्योंकि देखिए आपको बैटिंग भी टॉप ऑर्डर पर करके देंगे, साथ ही साथ बॉलिंग भी जो आपको पूरे 10 बार आपको बॉलिंग करके देने वाले हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी से फिर बात करते हैं फिर जी मल्ला को ट्राई कर सकते हैं, मल्ला भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाले। हालांकि ऐसे फिर देखिए ये 2 या 3 मैचेस ये भी अपने टीम के लिए खेले, जिसमें कि फर्स्ट मैच इनको बैटिंग नहीं करने का मौका मिला, लेकिन लास्ट मैच देख सकते बैटिंग करने का मौका मिला, लेकिन फिर भी जो है उतना कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। हालांकि प्लेयर अच्छे हैं लेकिन फिर भी जो है लास्ट मैच पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, स्टार्ट भी इन्हें काफ़ी अच्छा मिला लेकिन ये जल्दी आउट होकर चले गए।
प्लेयर अच्छे हैं फ्रेंड्स, आपको जो है तकरीबन टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता नजर आएंगे। इनका जो बैटिंग कोई कंफर्म नहीं है, ये कभी ओपन भी करने आ जाते हैं तो कभी नंबर तीन नंबर चार पे भी बैटिंग करने आ जाते हैं, तो इनका कोई बैटिंग जो है कंफर्म नहीं रहने वाला है। हालांकि लास्ट में जो है अपनी टीम के लिए ओपन करने करते नजर आए थे और जिसमें कि 21 रन भी बनाए थे, लेकिन इस मैच में किस बैटिंग ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे ये मैं कन्फर्म नहीं बता सकता। बाकी से फिर बात करते हैं ये दोनों के, दोनों थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, ताकि इन दोनों में से किसी को भी ट्राई ना करें। बात करते हैं फिर देखिए विश्वाकर की, तो विश्वाकर जो है इनको फर्स्ट मैच में खिलाया गया था लेकिन लास्ट मैच में नहीं खिलाया गया। फर्स्ट मैच की बात करते फिर, तो फर्स्ट मैच में 55 रन के आसपास जो स्कोर करके दिए, नंबर तीन पर बैटिंग करते नजर आएंगे अगर ये खेलते हैं तो, इस बात का आपको ध्यान देना है। विश्वाकर की बात करते फिर, तो बहुत ही तगड़े प्लेयर, रिसेंट जो यहाँ से नेपाल का जो लीग हुआ था मतलब टूर हुआ था उसमें भी जो अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किए थे, साथ ही साथ घरेलू मैचेस में भी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देख सकते सिर्फ इनको जो 8% लोगों ने पिक किया। हालांकि इनका जो अभी खेलना ना खेलना कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर फ्रेंड्स इनसे रिलेटिव मुझे कुछ भी न्यूज़ आता है तो आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर फ्रेंड्स इसमें से रिलेटिव कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह कुछ भी आता है तो आपको जो हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जब आपको इसमें से रिलेटिव कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह कुछ भी आता है तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी की फिर बात करती है, दोनों के दोनों रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तब इन दोनों को ट्राई बिल्कुल भी ना करें। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं फिर, देखिए मैं ऑलराउंडर सेक्शन में जो है यहाँ से पारस खटका को ट्राई करूंगा। पारस खटका की बात करते फिर, तो अपने टीम के लिए नंबर तीन पे बैटिंग करते नजर आएंगे। हालांकि ऐसे फिर जैसे कि मैं आपको बताया फर्स्ट मैच में जो है नेपाल के कोई भी प्लेयर उतना कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और नेपाल को जो है फिर फर्स्ट मैच का जो है स्कोर ही यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए सब जितने भी नेपाल के प्लेयर है सभी का सभी जो है सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ से फिर जो है सभी के सभी लास्ट मैच खेले और अच्छे खासे परफॉर्मेंस किए, लेकिन यहाँ पे जो ड्रीम इलेवन पे इनका पॉइंट नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन सभी के सभी खेले तो इस बात का आपको ध्यान देना है। पारस खटका की बात करते फिर, तो लास्ट मैच अपनी टीम के लिए 19 रन के आसपास बनाए थे, साथ ही साथ जो बॉलिंग भी करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान देना है। हालांकि बॉलिंग से जो ये विकेट तो नहीं ले पाए, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करके देंगे। टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे, नंबर तीन पर बैटिंग करते नजर आएंगे, साथ ही साथ बॉलिंग की बात करते फिर, तो 5 से 6 ओवर आपको बॉलिंग भी करके देने वाले। हालांकि खटका की बात करते फिर, तो ये जो है T20 मतलब T20 के प्लेयर है, ODI के उतने अच्छे प्लेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से फिर जो है अगर इनको स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा तो आपको जो काफी बड़ी पारी खेल के दे देंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देना, क्योंकि नेपाल की तरफ से जो एक सीनियर प्लेयर के तौर पे खेलते हैं तो ऐसे में इनको अपनी टीम में ट्राई करना बनता है। बाकी से फिर बात करते हैं, आप ऐसे कनवर अली को ट्राई कर सकते हैं। कनवर अली भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाले, ओपन बैटिंग करेंगे, साथ ही साथ जो आपको 5 से 6 बार आपको बॉलिंग भी करके देंगे, तो ऐसे में आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। कनवर अली की बात करते हैं फिर, तो रिसेंट फॉर्म में इनका अच्छा, हाल ही में जो ओमान का सीरीज हुआ था उसमें भी अपने टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किए थे, साथ ही साथ लास्ट मैच में भी जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा परफॉर्म किए। लास्ट मैच की बात करते हैं फिर, तो लास्ट मैच अपने टीम के लिए 31 रन बनाए थे, साथ ही साथ बॉलिंग की बात करें तो 7 ओवर बॉलिंग करते हुए इन्हें विकेट तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो है अपने टीम के लिए 7 ओवर बॉलिंग किए, तो ऐसे में जो आपको ये समझ सकते हैं कि आपको जब पूरे 10 ओवर बॉलिंग भी करके देंगे, साथ ही साथ जो आपको बैटिंग भी करके देने वाले, ओपन बैटिंग करेंगे साथ ही साथ 10 ओवर बॉलिंग करके देंगे, तो ऐसे में ट्राई करना बनता है। क्योंकि अगर ये आपको बॉलिंग से परफॉर्मेंस नहीं करके दिए तो बैटिंग से परफॉर्मेंस करके देंगे, अगर ये बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं करके दिए तो कम से कम आपको बॉलिंग से तो एक आध विकेट निकाल के दे ही देंगे, तो ऐसे में आप इन दोनों को ही ट्राई कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही जो ओपन करते हो नजर आएंगे, साथ ही साथ जो है बॉलिंग दोनों ही करते हो, तो ऐसे में आप इन दोनों को ही अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो फिर बात करते हैं डी सिंह एरी की, तो एरी जो फर्स्ट मैच में खेले थे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन लास्ट मैच में जो इनको बिल्कुल भी चांस नहीं दिया गया, तो ऐसे में मैं कंफर्म नहीं बता सकते कि ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फिलहाल ऐसे में इलियास को ट्राई करूंगा, साथ ही साथ मोहम्मद नदीम को ट्राई करूंगा। ये दोनों के दोनों जो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी चल रहे, तो इसी के लिए मैं इन दोनों का ट्राई करूंगा। इलियास की बात करते हैं फिर, तो लास्ट मैच जो अपने टीम के लिए 72 रन के आसपास जब बनाए थे, साथ ही साथ बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग तो उतना नहीं किया, लेकिन यहाँ फिर जो है अपने टीम के लिए 3 या 4 ओवर के थे जिसमें ये 2 विकेट भी निकाल लिए थे। इलियास की बात करते हैं फिर, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको बैटिंग करते नजर आएंगे, बॉलिंग उतना करते हैं नहीं, पार्ट टाइम बॉलर है, लेकिन पार्ट टाइम बॉलिंग करते भी ये कभी कदाल 2-3 विकेट निकाल लेते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आप चाहे तो फ्रेंड्स इलियास को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, साथ ही साथ ये भी जो आपको बॉलिंग करके देंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है।
बाकी जो फिर बात करते हैं तो मोहम्मद नदीम की, तो मोहम्मद नदीम जो आपको नंबर 5 पे बैटिंग करता नजर आएंगे, साथ ही साथ बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी जो आपको तकरीबन 5 से 6 बार ये आपको बॉलिंग करके देने वाले, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। लास्ट मैच की बात करते हैं फिर तो लास्ट मैच में मोहम्मद नदीम जो 55 रन के आसपास जो स्कोर करके दिए थे, साथ ही साथ जो है 8 ओवर बॉलिंग करते अपने टीम के लिए 3 विकेट भी निकाले थे। तो ऐसे में जो आप इन दोनों को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर रहे हैं और सबसे मेन रीजन है दोनों का फॉर्म बहुत ही तगड़ा है, तो इसी के लिए जो है इन दोनों को अपनी टीम से ट्राई कर सकते हैं। बाकी तो फिर बात करते हैं केएल मल्ल को बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कोई कन्फर्म है नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। बात करते हैं फिर से बॉलिंग सेशन के तहत मैं संदीप लामिछाने को ट्राई करूंगा, जो कि नेपाल की तरफ से सबसे मेन स्टैक बॉलर है और लगातार जो अपनी टीम के लिए विकेट भी निकाल रहे, तो इसी के लिए मैं उनको अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। बात करते हैं फिर लामिछाने की, तो लास्ट मैच जो अपनी टीम के लिए 2 विकेट निकाले, तो इस बात का आपको ध्यान देना है, लगातार विकेट निकाल रहे और अच्छी फॉर्म में भी चल रहे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी जो फिर बात करते हैं ऐसे में बिलाल खान को ट्राई करूंगा, जो कि लगातार ये भी विकेट निकाला और अपनी टीम की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर भी है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। लास्ट में जो 2 विकेट निकाले थे उससे पहले वाले मैच में 4 विकेट और उससे पहले वाले मैच में 3 विकेट, यानी फिर जो है अपनी टीम के लिए जो है 4 मैच इसके लिए है जिसमें क्या थे फ्रेंड्स ये 4 मैच में 9 विकेट निकाल चुके अपनी टीम के लिए, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। वहीं बात करते हैं फिर करण केसी करण के, तो ये भी जो काफी अच्छे प्लेयर है और लास्ट में ये भी जो अपनी टीम के लिए 4 विकेट निकाले थे, तो इस बात का आपको ध्यान देना। ये तीनों के तीनों जो आपके लिए मेन स्टैक बॉलर रहने वाले, तो आप इन तीनों को ही ट्राई कर लीजिए। बाकी से फिर बात करते हैं ऐसा और कोई अच्छा ऑप्शन रहने वाला है नहीं, तो आप इनमें से किसी को भी ट्राई ना करें। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं ऐसे में इलियास को जो है कैप्टन देने वाले, वही वाइस कैप्टन की बात करते हैं ऐसे में जो है वाइस कैप्टन जे मकसूद को देने वाले, क्योंकि मकसूद जो है मतलब अच्छा खासा बैटिंग कर ले रहे और बॉलिंग भी करके दे रहे, तो इसलिए मैं मकसूद को वाइस कैप्टन दे रहा हूँ। अगर आप मकसूद को वाइस कैप्टन नहीं देना चाहते तो आप ऐसे मोहम्मद नदीम को भी वाइस कैप्टन दे सकते हो, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग ये भी कर रहे, तो इस बात का आपको ध्यान देना। हालांकि देखिए अगर यहाँ पे ऐसे फ्रेंड्स मकसूद को वाइस कैप्टन दे रहे हैं तो ये जो है कभी कदाल बॉलिंग करने आ भी रहे तो कभी कदाल इन्हें बॉलिंग नहीं भी दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो आपको अगर आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर रहे हैं वाइस कैप्टन या कैप्टन ट्राई कर रहे हो तो आप जो है एज ए बैट्समैन के तौर पर दे, क्योंकि देखिए इन्हें जो ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराया जा रहा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 ओवर बॉलिंग करते नजर आएंगे, लेकिन ये दोनों जो आपको पूरे 10 ओवर बॉलिंग करके देंगे तो आप इन दोनों को अगर कैप्टन वाइस कैप्टन देते तो आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से मकसूद को वाइस कैप्टन दे रहा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और काफ़ी लंबे टाइम से फॉर्म में भी चल रहे, तो इसी के लिए मैं इनको अपनी टीम में वाइस कैप्टन दे रहा हूँ। अगर आप इनको वाइस नहीं देना चाहते तो आप ऐसे मोहम्मद नदीम कनवर अली में से किसी को दे सकते हैं। बात करते हैं फिर टीम प्रीव्यू की, ऐसे में ओमान के जो 4 बैट्समैन, साथ ही साथ नेपाल के भी 4 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ। बॉलिंग सेशन की बात करते हैं ऐसे में ओमान के जो है 4 बॉलर थे फिर नेपाल के 3 बॉलर के साथ जा रहा हूँ, तो फिर काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते तो जा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी बहुत टीम चेंजेस करके बना सकते हैं। तो फिर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।